नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ दिनों पहले तक बड़ी शेर बन के दिखा रही, लेकिन अब वो भीगी बिल्ली बन चुकी है। भीगी बिल्ली इसलिए बन चुकी है क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि तुम्हारी कहानी का अब दी एंड होने वाला है। बंगाल के अंदर जिस तरीके की अति ममता बनर्जी ने उठा रखी थी, केजरीवाल के बाद सेकंड नंबर पे थी, यानी कि बंगाल को लूटने के अलावा बंगाल के अंदर कानून व्यवस्था का सत्यानाश कर दिया ममता बनर्जी ने। और ये काम केवल और केवल बांग्लादेशी घुसपैठियों को पालने के लिए और अपना वोट बैंक बांग्लादेशी घुसपैठियों में बनाने के लिए सारा कुकृत्य किया जा रहा था। अब आप समझिए, जब से बंगाल के राज्यपाल दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में उन्होंने राष्ट्रपति से जिस तरीके से मुलाकात की, और ये पहला वाक्य था कि राष्ट्रपति सामने आई द्रौपदी मुर्मू और उन्होंने कहा कि बेहद चिंताजनक है और मैं खुद बहुत चिंता मुझे हो रही है और मैं बहुत परेशान हूँ इस बात के लिए। इसके बाद ममता बनर्जी बुरी तरीके से डर गई। इतना ही नहीं, राज्यपाल ने गृह मंत्री अमित शाह से बात की और उनको बंगाल के ऊपर सारी जो ताजा रिपोर्ट थी वो रिपोर्ट पेश की, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि बंगाल के अंदर कोई बड़ा एक्शन अगर नहीं लिया गया तो धीरे धीरे करके जहां पर भी केंद्र सरकार से के साथ काम करने वाली सरकारें नहीं रहेंगी वो इसी तरीके के उत्पात मचाएंगी। तो ऐसे समय में सरकारों को कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री को एक शेर के रूप में प्रस्तुत करती थी और आज पूरी दुनिया भी उनको एक शेर के रूप में जानती है कि भारत के अंदर एक प्रधानमंत्री है जो बहुत बड़ा शेर है और बहुत बड़ा जिगरा रखता है, कभी भी कोई एक्शन ले सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ही देश के अंदर आखिर इंतजार किस बात का कर रहे हैं और कितनी डॉक्टर बेटियों को बलि चढ़वाएंगे, कितने शाहजहां और पैदा करेंगे, आखिर एक्शन क्यों नहीं है। जबकि अगर इसके उलट देखा जाए तो इंदिरा गांधी की सरकार के समय पर, जब प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की सत्ता देश के अंदर हुआ करती थी, तो जिस भी राज्य सरकार ने कोई भी गलत काम किया उन्होंने एक सेकंड में उखाड़ के फेंका और मुख्यमंत्री को जेल का रास्ता दिखा दिया। लेकिन आज हमारी जो केंद्र सरकार है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, वो लगता है बहुत डरी हुई है। अरविंद केजरीवाल जैसे चोर को नहीं पकड़ने पे उसे क्या, आप समझिए। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल के अंदर कोई भी चीज छिपी हुई नहीं रह गई है। और किस सीबीआई की बात करते हैं आप, जिस सीबीआई ने इतने दिन के अंदर संजय रॉय जो आरोपी है, जिसको दरिंदा और ना जाने क्या क्या कहा जा रहा है, उसके अलावा सीबीआई ने अभी तक एक वहां पर चुहिया भी नहीं पकड़ी है। बड़े शर्म की बात है सीबीआई। और सबसे बड़ी बात यह बता दे कि संजय राय को सीबीआई ने नहीं पकड़ा है, संजय राय को ममता बनर्जी की पुलिस ने पकड़ा है, जिस पुलिस का कप्तान विनीत बंसल ममता बनर्जी का चंपू है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि अभी तक पुलिस कमिश्नर को ना तो हटाया गया है ना ही गिरफ्तार किया गया बंगाल के। इतना ही नहीं, आप समझिए, ये तो मामला अगर आप दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को या किसी बड़े जांबाज अफसर को दे देते तो शायद चुटकियों में सुलझा दिया जाता। भाई, हम बार बार कह रहे हैं कि ब्लूटूथ जो उसका कनेक्ट हुआ वो तो लाकर डाला भी जा सकता है, सीसीटीवी फुटेज में जो आया वो तो वहां बुलाया भी जा सकता है, तो साथ वो कौन लोग थे जिन्होंने गैंगरेप किया। 151 ग्राम लिक्विड बरामद हुआ है प्राइवेट पार्ट से, एक आदमी का खेल नहीं है, यह बयान दिया बाकायदा। तो आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आखिर मौके पर जो क्राइम सीन था, जो मौका वारदात था, उसको डिस्ट्रॉय किसने कराया, किसने फोन बुलाए वो गुंडे, कौन गुंडे थे, गुंडों में से भी एक नहीं पकड़ा गया है, कौन गुंडे थे, किसने बुलाए थे, बड़ी सारी बातें हैं।
पूरा मामला दबा दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिए गए सारे सबूत। इसके बावजूद हमारी सरकारें इंतजार कर रही हैं ममता बनर्जी को गिरफ्तार करने में और ममता बनर्जी की बर्खास्त करने में। कैसे कैसा ये डर है, क्यों है ये डर? आप इंदिरा गांधी की तर्ज पे क्यों नहीं चलते हैं? आज आप इंदिरा गांधी के बारे में जितना भी अपशब्द बोले, कांग्रेस को जितनी गाली दे बीजेपी और संघ के लोग, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कांग्रेस का एक रत्ती भर भी आप मुकाबला कर पाए। अगर मुकाबला कर पाते तो आज उखाड़ के फेंक देते ममता बनर्जी सरकार को, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। और आपको बेटियों की अगर इज्जत आबरू पे बात आती है तो आपको ऐसी सरकारों को उखाड़ के फेंकना चाहिए था, उखाड़ के फेंकना चाहिए था केजरीवाल जैसे लोगों को। चोर हैं जो लुटेरे हैं, जिन्होंने दिल्ली के खजाने को लूटा है। लेकिन आपकी चुप्पी आज संदेह से भी परे है। क्या संदेह किया जाए आप पर, नहीं समझ आ रहा है। देखिए क्या है कि ममता बनर्जी ने जो अभी एक्शन जो हुआ है, राज्यपाल यहां पर आए, उसके बाद ममता बनर्जी भी बड़ी डरी हुई है। उनको भी कुछ खुफिया सूचनाएं तो पहुंच ही रही होंगी, हर जगह पर हर आदमी के अपने अपने सोर्सेज होते हैं। तो ममता बनर्जी ने डर के मारे एक चिट्ठी लिख दी खुद प्रधानमंत्री को, और चिट्ठी में लिख दिया आप इसमें सख्त से सख्त एक्शन लीजिए। मतलब ममता बनर्जी एक्शन नहीं लेंगी क्योंकि उनका वोट बैंक भाग जाएगा भैया। अगर वो पकड़ लेंगी तो उनके अपने लोग पकड़ में आ जाएंगे, इसलिए खुद नहीं लेंगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखेंगी कि इस पर सख्त एक्शन लीजिए। हालांकि पूरे बंगाल को अब सूचना जो मिल रही है, फोर्स ने घेर रखा है और बंगाल के अंदर बहुत जल्दी बड़ा एक्शन होने वाला है। कई नेता, ममता बनर्जी सरकार के कई नेता अब पुलिस के सीबीआई के रेडार पर है, खुफिया एजेंसियों के रेडार पर, क्योंकि वहां पर कुछ ऐसा चल रहा है जो किसी भी दिन, जिसके लिए कई लोग सदन के बीच में तक बोले कि हमारे यहां बांग्लादेश हो जाएगा। करके दिखाइए आप जरा बांग्लादेश, आपको भी बता देंगे कि कैसे बांग्लादेश होता है। आपको तालिबान में ना फिकवा दिया उठा के, अफगानिस्तान में तालिबान के हवाले ना किया तो यूं कह देना आप, बांग्लादेश करके तो दिखाइए। ये देश है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर कानून का राज है, लोकतंत्र है। ऐसा नहीं हुआ कि आप कुछ भी बोल देंगे और कुछ भी हो जाएगा। बांग्लादेश जैसा देश नहीं है ये, ये लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। लेकिन आज ममता बनर्जी जैसे निरंकुश नेताओं पर नकेल कसने की बेहद जरूरत है, नहीं तो आने वाला समय बहुत कठिन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृहमंत्री अमित शाह को, ममता बनर्जी बंगाल, दिल्ली ऐसी जगहों पर जहां पर मुख्यमंत्रियों ने कानून का सहारा लेकर अपने आप को निरंकुश बना लिया है, उनको जरूर सबक सिखाना पड़ेगा। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।